हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज एक छोटे से वीडियो में हम लोग क्रिकेट के करंट अफेयर्स को देखेंगे। क्रिकेट एट द रेट 2023 यानी 2023 में क्रिकेट से संबंधित कुछ जो 8-10 न्यूज़ रहे थे, अवार्ड रहे थे, कोई कोई स्पोर्ट का जो विजेता कौन बना क्रिकेट का, उसके बाद कौन कौन से मैच हुए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है, दिलीप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। ये आयोजन हुआ था 28 जून से 16 जुलाई 2023 के बीच में। इसका आयोजन हुआ कहाँ हुआ, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया। और इसमें जो विजेता बना, विजेता जो है वो दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र इसमें विजेता बना। अगला प्रश्न है, ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आर माधवन या फिर अमिताभ बच्चन। तो आप सभी को पता है जो ICC वर्ल्ड कप है वो इस बार भारत में होने वाला है, तो जाहिर सी बात है भारतीय किसी स्टार को बनाया गया होगा ब्रांड एम्बेसडर। तो ये शाहरुख खान जो है इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है, जून 2023 में संपन्न ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका खिताब किसने जीता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का खिताब। अगला प्रश्न है, तीनों प्रारूप में ICC खिताब जीतने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी। तो विश्व की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है जो तीनों ही प्रारूपों में खिताब जीतने वाली पहली क्रिकेट टीम बनी है, वो बनी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वे तीनों ही फॉर्मेट में खिताब जीता है। BCCI द्वारा प्रशासित 16वें IPL यानी कि इस बार जो 2023 में IPL हुआ था वो कौन सा संस्करण था, 16वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, कहाँ संपन्न हुआ, तो ये आयोजन जो है भारत में हुआ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए IPL 2023 के फाइनल मैच का विजेता कौन बना। तो 16वां संस्करण हुआ था और इसका विजेता कौन बना, चेन्नई सुपर किंग्स। और किसको हराकर बना, तो गुजरात जाइंट्स है उसको हराकर बना। और इसमें चेन्नई ने अब 5 खिताब पूरा हो गया इसका, मतलब 5 खिताब अभी तक जीता है। और मुंबई इंडियंस ने भी 5 खिताब जीता है और ये दोनों जो है बराबरी के स्थान पर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी थे। अगला प्रश्न है, IPL 2023 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी शुभमन गिल किस टीम से थे। तो शुभमन गिल जो है IPL 2023 के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रहे थे, तो ये किस टीम से थे, ये गुजरात जाइंट्स से थे, गुजरात टाइटंस होगा। गुजरात टाइटंस होगा, ठीक है। तो सो ये गुजरात टाइटंस ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा ये इसको आप लोग सुधार लेंगे, चलिए ठीक है। यहाँ पे ये टाइटंस सही है, गुजरात जाइंट्स जो है वो महिलाओं की टीम है। तो गुजरात टाइटंस जो है इसके खिलाड़ी हैं शुभमन गिल। और आगे देखते हैं ऑरेंज कप, इसमें देखिए 2-3 चीज़ और जानना है। जो ऑरेंज कप मिलता है वो किसे मिलता है, जो सर्वाधिक रन बनाते हैं उसको मिलता है ऑरेंज कप। और ऑरेंज कप मिला है शुभमन गिल को। और ये किस टीम से थे, गुजरात टाइटंस से थे। उसके बाद पर्पल कैप किसे मिलता है जो सर्वाधिक विकेट लेता है, तो मोहम्मद शमी, ये भी थे गुजरात टाइटंस के, इनको मिला है। तो आपको बस ये याद रखना कि ऑरेंज कप किसको दिया जाता है, बॉलर को दिया जाता है या फिर बैट्समैन को। तो ऑरेंज कैप जो है वो बैट्समैन को दिया जाता है, सर्वाधिक रन बनाने वाले को। और पर्पल कैप जो है
वो सर्वाधिक विकेट लेने वालों को दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विस्डन द्वारा 2023 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की घोषणा विस्डन क्रिकेटर्स अलमनेक पुस्तक में, एक पुस्तक का नाम है विस्डन क्रिकेटर अलमनेक, इस पुस्तक में क्या हुआ है, सर्वश्रेष्ठ कुल 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की घोषणा की गई है जिसमें से भारत के एक क्रिकेटर शामिल है, तो आपको बताना है कि भारत के किस क्रिकेटर को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें शामिल किया गया है भारतीय क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, इनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग, तो जिस तरह पुरुषों का आईपीएल होता है उसी तरह महिलाओं का आईपीएल है, यानी कि महिलाओं का प्रीमियर लीग है, इसको बोल सकते हैं एमपीएल, एमपीएल नहीं वोमेन प्रीमियर लीग, डब्ल्यूपीएल, ठीक है, वोमेन प्रीमियर लीग। इसका पहली बार आयोजन किया गया था 2023 में, तो 2023 का खिताब किसने जीता है ये आपको बताना है, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स या फिर रूफी वॉरियर्स। तो इसका खिताब जो है मुंबई इंडियंस ने जीता, किसको हरा के जीता, दिल्ली कैपिटल को हरा के जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का शुभंकर क्या रहा, तो जो 2023 में महिला प्रीमियर लीग हुआ था इसका शुभंकर किसे बनाया गया, शक्ति, शक्ति एक शेरनी है, इसे इसका शुभंकर बनाया गया था। अगर बात करें आशा और मोगली, आशा क्या है, एक मादा चीता, और मोगली, ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम, यूथ गेम का शुभंकर ये था आशा और मोगली। और अगर बात करें हीम तेंदुआ की, तो ये था खेलो इंडिया शीतकालीन गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम की जगह आप शीतकालीन कर देंगे, शीतकालीन, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम, तो उसका शुभंकर कौन था, हीम तेंदुआ, और आशा और मोगली था खेलो इंडिया यूथ गेम का, और आईपीएल जो सॉरी वोमेन प्रीमियर लीग है उसका शुभंकर क्या था, शक्ति या एक शेरनी। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए इसमें भी सर्वाधिक जो रन बनाने वाले हैं उसको ऑरेंज कप मिला है, नाम आपको याद रखना है मैग लेलिन, मैग लेलिन को मिला है, ये दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी थी, और सर्वाधिक जो विकेट लेने वाली हैं जिसको पर्पल कैप मिला है वो है हेली मैथ्यूज़, ये मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है, हेली मैथ्यूज़ और मैग लेलिन, और उधर आपको याद रखना है शुभमन गिल हाईएस्ट रनर रन बनाने वाले जिसको ऑरेंज कप मिला है, और मोहम्मद शमी पर्पल कैप मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है, तो ईरानी कप जो है इसका संबंध क्रिकेट से है, और इस बार जो 2023 में ईरानी कप हुआ है इसका विजेता कौन बना, शेष भारत, टीम का नाम है शेष भारत। अगला प्रश्न है, आईसीसी आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस देश ने की, तो अभी हम लोगों ने देखा कि आईसीसी T20 कप जो है तो इसका विजेता कौन बना था, ऑस्ट्रेलिया बना था, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, और बांग्लादेश में अगला संस्करण होगा, ये 9वां संस्करण था, 10वां संस्करण है बांग्लादेश में होगा, 11वां संस्करण कहाँ पे होगा, इंग्लैंड में होगा, ये होगा 2024 में, ये होगा 2026 में, और भारत जो है आईसीसी वर्ल्ड कप जो ODI है वनडे इंटरनेशनल का पुरुष वर्ग का, उसका मेज़बानी भारत कर रहा है इस बार 2023 में, और कितने नंबर का है, 13वां नंबर का होगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो इसका खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, साउथ अफ्रीका को हरा के जीता है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है, तो रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है वो सौराष्ट्र ने जीता है, किसे हरा कर जीता है, बंगाल को हरा कर जीता है सौराष्ट्र ने।
अगला प्रश्न है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? तो सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये कुछ न्यूज़ थे जो 2023 में क्रिकेट से संबंधित थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।